अब जो देखिए तीन भैंसे रिंग के अंदर बची हैं, तो अब कौन फर्स्ट आते हैं और कौन सेकंड आते हैं और कौन जो है थर्ड पोजीशन पर आते हैं, सबके साथ आपको दिखाया जाएगा। तो भैंसे भी देखिए काफी देर हो चुकी है, पशु है क्योंकि ये थोड़ा सा भिदक भी सकता है और पशुपालन भाइयों को चोट भी कर सकता है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप अच्छे तरीके से जो है चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ जो है किसको फर्स्ट और किसको सेकंड जो है अब जो है देख सकते हैं आप डॉक्टर जिस हिसाब से देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी भैंस है। तो कहीं किसी तो डॉक्टर साहब का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, तो बहुत ही सोच और समझदारी के साथ जो है डॉक्टर साहब इस चीज को कवर कर रहे हैं। तो आप देख भी सकते हैं डॉक्टर साहब की डिस्कशन पूरी टीम के साथ, पूरी मैनेजमेंट के साथ है और तैयार करके लेके आए हैं। तो बाकी जो डिसीजन देख सकते हैं कुछ पैसों को किसी डिफेक्ट की वजह से बाहर कर दिया गया, तो अब जो है डॉक्टर साहब जो है जिससे आप अच्छे तरीके से निरीक्षण करके अब छह महीनों में से तीन महीने बच चुकी है। अब तीनों में से जो है डॉक्टर साहब किसको फर्स्ट सेकंड और फाइनल जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड करते हैं, अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब निरीक्षण कर रहे हैं। अब देख रहे हैं और सेकंड का क्या डिसीजन होगा आपके साथ जो है वीडियो में शेयर कर दी जाएगी सारी चीजें। तो और भी यूट्यूबर भाई आए हुए हैं आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप मैनेजमेंट कमेटी बार बार जो है यहाँ से अनाउंस कर रही है कि जो ज्यादा है वो रिंग के अंदर ना आए, कहीं कोई भैंस जो है घबरा कर जो है किसी को चोट वगैरह ना करे। डॉक्टर साहब जो है अच्छे तरीके से निरीक्षण की यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन पैसों को लेकर रखी कोई ना बनाए अच्छे तरीके से कुछ जो है अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं कि किस भैंस को जो फर्स्ट फाइनल सेकंड और थर्ड निकाला जाए। तो यहाँ पर कुछ डाउट नंबर में जो है डाउट लग रहा है कि ये डाउट के हिसाब से गलत किस प्रकार से तो भैंस बहुत ही काबिल तारीफ है देख सकते हैं। तो हम डॉक्टर साहब थोड़ा सा निरीक्षण करते हुए तो दोबारा से फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जो जो कंपटीटर का जो जो मुकाबला है वो उसमें देखते हैं कौन सी भैंस फर्स्ट और कौन सी सेकंड और कौन सी। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से जो है स्क्रीन चेक करते हुए कि कहीं कुछ गलत ना हो किसी पशुपालक भाई की भैंस के साथ कि अच्छी भैंस रहना जाए और दूसरी भैंस जो है रहना जाए। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये टेल मेरे हिसाब से कहाँ से तो डॉक्टर साहब को कुछ नजर आ रहा है कि टेल काटे हुए हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ हो जाए तो ये देख सकते हैं, संतुष्टि कर लो मैनेजमेंट का निर्णय जो होगा जो मान्य होगा। तो तेल का जो है यहाँ पर जो तेल कटी हुई है ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि तेल कटी हुई है तो आप देख सकते हैं, और जो ओनर है वो कह रहे हैं बिल्कुल कटी हुई है जो है सब किस तरीके से तेल का मामला है देख सकते हैं अच्छे तरीके से तेल एग्जीबिशन में होती हाँ जी सही बात दस फिर फैसला जी दो वर्ष में मिल जाए सारा बैटरी है जापान के दिक्कत है हर्ष का पूरा जापान के
तो अभी तक जो हटेल के मामले में जो थोड़ा सा डाउट है तो देखेंगे कि क्या निर्णय होगा डॉक्टर साहब का हटेल को लेकर। तो गंभीरता से देखते हुए हटेल का मामला और जो ओनर है उनका कहना है कि हटेल जो है कोई छेड़छाड़ साहब कह रहे हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ तो आप देख सकते हैं और देख लो कुछ हो रहा है तो फ्री मैच तो मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया है शायद। तो बाकी देखें डॉक्टर साहब का निर्णय क्या है। जो आगे से चेस्ट को भी देख रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया जो होती है वो ऐसी प्रकार जो है एग्जीबिशन में की जाती है। बाकी पूरी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, देखें और वीडियो के साथ बने रहे जो टीम यहाँ पर है क्या निर्णय करती है और किस पशुपालक टीम भाई की टोकन पे देख सकते हैं। अब जो सब दूसरी बहस के ऊपर गए हुए हैं तो अब उसको देखो कैसे क्या कुछ देखेंगे। बारीकी से निरीक्षण करते हुए ऑर्डर्स की वेन साहब बहस की देख सकते हैं तो जो है थड़ों का साइज आप देख सकते हैं। तो ये देखे डॉक्टर साहब फाइनल डिसीजन किससे बहस फर्स्ट डॉक्टर और अपना और देख सकते हो बार बार जो है भैंसों को और उनको भी अच्छे जांचे परखेंगे और भी यूट्यूबर भाइयों को देख सकते हैं कि क्या कुछ प्रोसीजर। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड के लिए जो है भाई देख सकते हैं टीम किस प्रकार से जो है डिस्कशन करते हुए कि कौन फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएगा। क्या